सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी का चरणामृत नहीं लेना चाहिए, ऐसा प्रायः प्रायः कहा जाता है। और आप कई मंदिरों में भी देखेंगे तो शिव जी का चरणामृत मंदिरों में नहीं दिया जाता, शालिग्राम जी का चरणामृत लिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शिव जी के निर्माल्य पर सबका अधिकार नहीं है। शिव जी को चढ़ी हुई वस्तुएं सब किसी को नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यहां शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी के नैवेद्य को ग्रहण करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है। शिव जी के नैवेद्य को देखने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट्वा वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता। कोई दूर से भी शिवजी के नैवेद्य का दर्शन कर ले, भुक्ते चा शिव नैवेद्य पुण्य धन्यादि कोटिशा। दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, और यदि शिव के नैवेद्य को भक्षण कर ले, ग्रहण कर ले, तो वह शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। शिवजी को लगा हुआ नैवेद्य कौन सा नहीं खाना चाहिए, जो एकदम जलाधारी के ऊपर रख दिया जाता है अथवा शिवलिंग से जो स्पर्श करा दिया जाता है, वो फल वो नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। जो शिवजी के ऊपर रखा है, वैसे तो शिवलिंग के ऊपर जो जलहरी है, जलहरी के ऊपर कुछ रखना नहीं चाहिए। कई बार लोग दीपक जला के जलहरी पर रख देते हैं, वो पार्वती जी का स्थान है। कई बार लोग फल है, प्रसाद है, ये वो सब जलहरी पर रख देते हैं, जलधारी पर वो सब नहीं रखना चाहिए। जलधारी पर चढ़ा हुआ शिवलिंग को स्पर्श प्राप्त हुआ जो नैवेद्य है वो नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिवजी को भोग लगा हुआ अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भोक्ते चा शिव नैवेद्यम पुण्यान्यान्ति कोटिशा। शिवजी को लगा हुआ नैवेद्य हमारे करोड़ों पाप मिटाकर हमें शिवलोक का अधिकारी बना देगा। और शिवजी के चरणामृत की कितनी महिमा है। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्तवनोदकम् त्रिपवेत्र विधिम पापम शेतासो विनाश्यति। भगवान शंकर का चरणामृत जो ग्रहण करता है वह जन्म सहस्त्र हजारों जन्मों के पापों से मुक्त होकर के और शिवलोक को चला जाता है, ऐसी शिवजी के चरणामृत की महिमा है।